नमस्कार, उत्तर प्रदेश की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं प्रदेश की पहली बड़ी खबर से। किसान बिल के खिलाफ पूरे देश में किसानों का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। अब इस विरोध में समाजवादी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी अपने सुर मिला दिए हैं। अखिलेश यादव ने शनिवार को कहा है कि ये बिल किसान विरोधी है और किसानों के साथ बड़ी साजिश है। आज के दिन हमारी अर्थव्यवस्था को किसी ने बचाया था तो किसान और खेती ने। अब खेती पर बड़े बड़े उद्योगपतियों की नजर है, जिससे हमारा किसान मजदूर बनकर रह जाएगा। उन्होंने कहा कि ये बिल लाकर किसानों के साथ धोखा हुआ है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री के जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाने के विपक्ष की रणनीति का असर दिखने लगा है। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों से रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है। उन्होंने अगले 3 महीनों में भर्ती प्रक्रिया शुरू करते हुए 6 महीने के अंदर ज्वाइनिंग लेटर देने का निर्देश दिया है। इसके अलावा भर्ती आयोगों और बोर्डों को सभी बैठकें नियमित करने का निर्देश दिया गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विपक्ष सरकारी नौकरी में संविदा के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकारी नौकरी में 5 वर्ष की संविदा शुरू करने की सरकार की कोई मंशा नहीं है। इसके अलावा रिटायरमेंट की आयु सीमा भी 50 वर्ष नहीं होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि आम जनता के बीच में झूठ फैलाने का काम सपा, बसपा और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि सरकारी नौकरी के तमाम मामलों को लेकर विपक्ष ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर लगातार हमले जारी रखे हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना रिकवरी रेट अब बढ़कर 78.79 हो गई है। उत्तर प्रदेश में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 67,825 है। संक्रमित व्यक्तियों में से अब तक कुल 4,869 व्यक्तियों की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि गुरुवार को प्रदेश में 155,897 सैंपल की जांच की गई, जिसमें अब तक कुल 82,85,710 सैंपल की जांच की गई है। लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेशवासियों को सतर्क रहने की जरूरत है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश युवाओं के मुद्दों पर लगातार सक्रिय हैं। इसी क्रम में वो अलग अलग समूहों से संवाद कर रही हैं। ऐसे ही चर्चा के बाद प्रियंका ने कहा कि 12,460 शिक्षक भर्ती शून्य जनपद के अभ्यर्थियों संग संवाद किया। इन्होंने अच्छे अंकों से परीक्षा निकाली किंतु भर्ती नहीं मिली। प्रियंका ने कहा कि बेरोजगारी और भर्ती प्रक्रियाओं में लचर व्यवस्था के चलते यूपी के लाखों युवा अन्याय के शिकार हैं। रोजगार इनका हक है और सरकार को इन युवाओं को उनका हक देना ही पड़ेगा। हमारी ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।